गाइज आज का ये जो वीडियो होने वाला है हमारा, बेसिकली गाइज इस पे हम जो है ऑफर लगाने वाले हैं। जितने भी मॉड्यूल्स हैं हमारे पास अवेलेबल, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, जो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी दिखाने वाला हूँ कौन कौन से अवेलेबल है, और इन पे आपको जो है 100 रुपीज़ का फ्लैट ऑफ मिलने वाला है, तो डायरेक्ट जाके आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलो मैं मॉड्यूल्स दिखाना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। सो गाइज सबसे पहला जो मॉड्यूल है हमारे पास वो यहाँ पे आता है हमारे पास इस टाइप में, और इसका जो नेम है वो आपको ऑलरेडी से पता भी होगा, इसको बोलते हैं ESP 8266 मॉड्यूल बोलते हैं इसको। तो देन आप जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं, वाईफाई में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, बहुत भाई प्रोग्रामिंग वगैरह लगा के इसको जो है इजीली यूज़ कर लेते हैं। सो ये मॉड्यूल रहने वाला हमारा, काफ़ी चीप रेट मिलने वाले, जितने भी मॉड्यूल दिखाऊंगा काफ़ी कम रेट में, प्लस में ऑफर भी दिया जा रहा है, तो डायरेक्ट जाके आप जो है चेकआउट वहाँ पे कर सकते हो। तो ये है, ठीक है, जो भी आपके यूज़ का मॉड्यूल हो आप जो है डायरेक्ट जाके उसको परचेज कर सकते हैं, तो इस टाइप में है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे पावर बैंक मॉड्यूल, टाइप सी में भी है, लाइटनिंग पोर्ट भी है इसमें, सो आप जो है आईफोन भी चार्ज कर सकते हैं उससे इजीली। तो ये मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रेंड में चल रहा है स्टार्टिंग में, और अभी जो है आप इसको डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं। स्टोर का लिंक, वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पार्ट में, ओपन करके दिखाया था मैं आपको, जो ओपन होने वाला होगा मैं उसको ओपन करके दिखा दूंगा, तो देन आपको जो है इजीली पता चल जाएगा कि क्वालिटी कैसी मिल रही है। तो इस टाइप का मॉड्यूल मिलेगा आपको, इस पर मैंने ऑलरेडी से वैसे वीडियो बना दी गई है, तो डायरेक्ट जाके आप चेकआउट वहाँ पे कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट मॉड्यूल आता है हमारे पास ये वाला, ये है गाइस 3310 30 वॉट के एम्पलीफायर, आप जो है इसमें मतलब जो स्पीकर है आप इसमें चला सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। इसका तो वीडियो हमने अभी चैनल पे अपलोड किया है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इसकी वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी कम कॉस्ट में और काफ़ी बढ़िया साउंड यहाँ पे जो है प्रोवाइड करता है। अगर आपको एम्पलीफायर बनाना है तो आप इस मॉड्यूल को यहाँ पे जो है सजेस्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोलर। गाइज इसका जो है पूरा सेटअप करके दिखाने वाला हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी सारे भाइयों की डिमांड है कि भाई हमें टेम्परेचर कंट्रोलर बनाना है, तो आप जो है इससे काफ़ी बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, आपको शायद शो हो रहा होगा, ठीक है, आप इससे ईजिली बना सकते हैं। इसका मॉडल नंबर भी शायद इस पर नहीं लिखा हुआ है, तो 1209 कुछ इस तरह से बोलते हैं इसको, W1209, तो इसको जो है चेकआउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आता है गाइस हमारे पास यहाँ पे 4 रिले मॉड्यूल। इसमें जो है आप जो 4 अप्लायंसेज लगा के एक साथ अपने जो है उसको मोबाइल से कनेक्ट करके इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मॉड्यूल है, और साथ ही साथ आप जो है इसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको, उसके बाद ही आपका जो मॉड्यूल है ये रेडी होगा। तो देन काफ़ी बढ़िया है, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग आपको जो है आनी चाहिए। बाकी यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, और अगर आप बोलते हैं कि हम इसकी वीडियो जो है पूरी एक रेडी करके दें, तो हम भी इसको रेडी करके अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आता है गाइज हमारे पास यहाँ पे मीटर। तो गाइज यहाँ पे एम्पियर और वोल्ट मीटर है, इसकी वीडियो ऑलरेडी से वैसे चैनल पे अपलोडेड है, तो जाओ जाके एक बार जो है इसको चेकआउट कर लो आप। बाकी इसको जो है यूज़ करके भी दिखाऊंगा मैं आपको एम्पियर जो है किस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है, काफ़ी यूजफुल मॉड्यूल है, तो जाओ जाके देख लो एक बार। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आता है गाइज हमारे पास यहाँ पे इसका आप मुझे कमेंट करके बताना इससे आखिर क्या होता है, ठीक है, मैं बताता रहूँगा तो आपको पता चलता रहेगा, लेकिन आप बताना ज़ोर से कि इससे जो है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये मॉड्यूल भी हमारे पास अवेलेबल है, काफ़ी बढ़िया है, हीट सिंक काफ़ी बड़ी लगी हुई है, इसमें डुप्लीकेट भी आता है, तो ध्यान रखें किसी वेबसाइट से परचेज करने से पहले आप प्रॉपरली चेकआउट कर लें कि किस टाइप का आपको जो मॉड्यूल है ये मिलेगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मॉड्यूल कैसा लगता है और क्या नाम है इसका। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट आता है गाइस हमारे पास यहाँ पे वोल्ट मीटर। आप जो है इसको काफ़ी सारी जगह पे जो है यूज़ कर सकते हैं इजीली। इसमें जो है आपको डिस्प्ले मिलती है और इसमें 3 वायरिंग मिलती है, इसका तो प्रॉपर वीडियो हमने चैनल पे भी डाला हुआ है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मीटर है, चीप रेट में मिल जाएगा, जाओ जाके परचेज करो। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे ये है IR सेंसर, इसको आप जो है काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, और इससे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, मैंने देखा हुआ है काफ़ी सारी चीज़ें, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हैं जिस भी भाई को डिमांड होती है। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे बूस्टर मॉड्यूल। अगर आपको बैटरी की वोल्टेज को बूस्ट करना है, या फिर आपने अडेप्टर लगाया तो आप सोच रहे हैं कि हम जो उसको बूस्ट कर दें 3 वोल्ट से आप जो है 9 वोल्ट बना दें, तो ये बूस्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा, आप प्रोजेक्ट वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो नेम है वो बोलते हैं इसको XL6009। इसके 2 मॉड्यूल आते हैं, मतलब सेम रहेगा, एक आता है 2596 जो आपकी जो है कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये तो बूस्ट करने के लिए, और वो बक कन्वर्टर है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज को वो कम कर देता है और ये कम वोल्टेज को ज़्यादा कर देता है, ठीक है, तो इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, दोनों ही अवेलेबल है, तो चेकआउट करना कर लेना एक बार इसको। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे डिजिटल थर्मोमीटर, और इससे जो है आप टेम्परेचर वगैरह जो है टेस्ट कर सकते हो कि कितना कितना टेम्परेचर हो रहा है,
देखो दिखाता हूँ मैं आपको। तो इस टाइप की आपको जो है डिस्प्ले मिलती है देखने के लिए, काफ़ी यूजफुल मॉड्यूल है इसमें। और ये तो हमारी वेबसाइट पे सबसे सस्ता देखने के लिए मिलेगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट से कितना भी कंपेरिजन कर लें, कम से कम 50 से 40% आपको जो है फ्लैट ऑफ मिलने वाला है इस पर। तो डायरेक्ट जाके आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी सारे भाई इसको जो है यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे, ये आता है स्पीड कंट्रोलर। 12 वोल्ट मोटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी फैन बना रहे हैं या फिर इसमें आप ड्रिल मशीन बना रहे हैं तो आपको जो है एडजस्टेबल चाहिए कुछ, तो आप जो इसको ले सकते हैं। स्पीड कंट्रोलर है, काफ़ी बढ़िया है, मोटर के लिए स्पेसिफिकली बनाया जाता है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है गाइस हमारे पास यहाँ पे पाम 8403 एम्पलीफायर मॉड्यूल। इसमें प्लस में आपको जो है ये जो प्रीसेट है वो भी साथ में देखने के लिए मिलता है, वॉल्यूम को अप डाउन करने के लिए। बाकी एक ये नॉर्मल में भी आता है, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ठीक है, छोटा सा अगर आपको कोई स्पीकर बनाना है बढ़िया साउंड वाला तो आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। और ये था गाइस हमारा लास्ट एंड फाइनल मॉड्यूल, ये तो मैंने ऑलरेडी से आपको दिखा दिया। तो गाइस ये था हमारा लास्ट एंड फाइनल, आई होप सो आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगी होगी। अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो। जितना भी सामान मैंने आपको दिखाया है इससे ज़्यादा सामान वेबसाइट पर लिस्ट है, जाओ जाके एक बार जो है चेकआउट कर लो। ये जितना भी सामान है आप वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर में फिर से मिलते हैं, बता देना किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो इसमें कमेंट कर देना। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।